हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। ज़ायरा वसीम के एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने की बात कही थी, जिस पर कई लोगों ने उनका सपोर्ट तो किया, लेकिन कुछ ने उनकी जमकर आलोचना भी की। जैसा कि आप जानते हैं, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों से धूम मचाने के बाद ज़ायरा प्रियंका के साथ उनकी फिल्म द स्काइज पिंक में नजर आने वाली है। अभी उनके पिछले पोस्ट को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि उन्होंने लोगों को एक और झटका दे दिया, और इस बार ये झटका प्रियंका चोपड़ा को लगने वाला है। खबरों की माने तो ज़ायरा ने इस फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। दरअसल इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट को शेयर करने के बाद उन्होंने द स्काइज पिंक के मेकर से बात की थी और उन्हें ये बताया कि अब वो फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनेंगी। आपको बता दें कि फिल्म का प्रमोशन अगस्त के महीने से शुरू होना है और हाल ही में फिल्म की शूटिंग भी पूरी हुई है, जिसके बाद फिल्म की टीम ने एक पार्टी रखी थी जिसके फोटो सोशल मीडिया पर खूब देखी भी गई। बात करें इस फिल्म की तो ये एक बायोपिक फिल्म है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की जिंदगी पर बनाई गई है। फिल्म में ज़ायरा और प्रियंका के अलावा फरहान अख्तर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। सोनाली बोस के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। वेल तो ज़ायरा के इस फैसले पर प्रियंका चोपड़ा कैसे रिएक्ट करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।